ओके, गुड मॉर्निंग है और आज है डेट 28 मई 2023, दिन है रविवार का। और मेरे पीछे आप देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा है। हम लोग इस होटल में रुके हुए थे जो कि यहीं स्टार्टिंग में, अगर आप आएंगे रोड में तो पेलिंग के स्टार्टिंग में ही ये पड़ जाता है। इसका नाम है माउंटेन व्यू लाचेन नॉर्थ सिक्किम। और अभी हम लोग पूरा रेडी हो गए हैं, टाइम कुछ 8:30 के आसपास हो रहा है। अभी हमें जाना है गुरुदोंगमर लेक। मौसम आप देख रहे हो कितना औसम हो रखा है। तो बस इसी मौसम के साथ हम लोग पूरा पैक हो गए हैं। ये देख लो आप, रेन गियर्स वगैरह, विंटर लाइनर, जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा सामान था, ठंडी का सामान था, वो पूरा हमने पहन लिया है। क्योंकि आगे जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होने वाला है, वो हो जाने वाला है -1 के आसपास। तो मज़ा आने वाला है इसी राइड में। अब देखते हैं आगे क्या है कि वीडियो शूटिंग फिर से अलाउड नहीं है, कुछ चेक पोस्ट पड़ेंगी, तो हम इसलिए बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले रहे हैं। मैंने गोप्रो इसलिए वगैरह माउंट नहीं किया है। और बस इसी के साथ अब हम ये सफ़र स्टार्ट करने वाले हैं। कुछ लगेगा तो दिखा दूंगा। और यहाँ पर ड्रोन फोटोग्राफी भी अलाउड नहीं है, तो हम उसमें भी रिस्क नहीं लेंगे बिल्कुल भी। चलो फिर मिलता हूँ मैं आपसे आगे गुरुदोंगमर लेक पर। Now we have reached a check post, जहाँ पर हमारे papers check हुए हैं। Short vlogging है, यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं ये नाश्ता, कैफे है और इससे 20 किलोमीटर और रह गया है गुरुदोंगमर। इसके आगे गुरुदोंगमर है, मस्त ऑफ रोडिंग हो गई है, खतरनाक वाला। 20 किलोमीटर आ गया है गुरुदोंगमर। और भाई साहब एक नंबर मज़ा आ गया है, ठंड बढ़ती आ रही है और एल्टीट्यूड बढ़ते आ रहा है। अपन तो फुल रेन गियर में है, मिलते हैं आपसे आगे। जिसका मुझे था इंतजार वो आ गया है तुषार। मेरे भाई अलग फीलिंग है, हाई अल्टीट्यूड है। विक्स हमने एक भाई से भी बोरो किया, विक्स इज़ द ड्रग, कपूर इज़ द ड्रग, मैं फिर से लाना भूल गया हाई अल्टीट्यूड पर। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मतलब अल्टीमेट लेवल है। बीच में ऑफ रोडिंग और ये सब चीज़ें वर्थ है। वर्थ क्यों है? पीछे का व्यू दिखाओ, कहाँ से मोटरसाइकिल। ये देखो ये वर्थ है, ये वर्थ है। और अगर मैं तुम्हें दिखा दूँ ना, मेरे पीछे पहाड़ देख लो यार, एक नंबर पहाड़, उस पर बर्फ। अच्छे से देख लो एक बार पूरा तुम। ये सामने यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये पेंगोंग बोल रहा हूँ भाई मैं। ये है गुरुदोंगमर झील, जिस पे तुषार भाई अभी मना कर दिए कि वो नहीं जाएंगे, लेकिन मैं जाऊँगा, सेक्रेड है, पैर तो छू के आऊँगा एक बार। और ये हैं बर्फ़ के पहाड़ और ये हैं बर्फ़ की हसीन वादियाँ। ये देखिए क्या खूबसूरत। भाई हम लोग उस रास्ते से आए हैं, सामने से पूरा ऑफ रोडिंग था और अल्टीमेट लेवल था, मतलब अलग लेवल की ऑफ रोडिंग। और ये ही है यार, आप इतना स्ट्रगल करके आते हो ना, तो बस इतना स्ट्रगल करके आते हो ना, तो आपको फील होता है कि ये चीज़ वर्थ है यहाँ तक। अल्टीमेट एडवेंचर, अल्टीमेट। लोगों को एडवाइस दो जरा, ये सब क्या है? और ये देखो यहाँ पे भी कुछ होती है, लोग यहाँ पर ये सब फेंक जाते हैं यार, आई डोंट नो। लेकिन मैंने सोच लिया कि मैं इसको उठा के अपने बैग में रख के ले जाऊँगा और डस्टबिन में थ्रो करूँगा। अपन भी जिद्दी हैं, जिद्दी हैं, क्योंकि देश अपना है, ना तेरा है ना मेरा है, ये देश हमारा है। क्या तुषार भाई, ठीक लग रहा है तुमको? अरे शानदार, बढ़िया लग रहा है भाई। तपस्या सिद्ध, 23 तारीख से चलते हुए घर से मोटरसाइकिल से, जब इतनी भव्य जगह पहुंचते हैं ना, तो खुशी अलग होती है। आपको गुरु का बुलावा ही आता है, बता दो। मतलब मौसम लोगों ने बोला खराब रहेगा, ये रहेगा, वो रहेगा, लेकिन गुरु का बुलावा था तो पुनः ही गया बस यहाँ पर, ऐसा है। चलो थोड़ा फोटो वोटो खिंचाएंगे, फिर अपडेट करेंगे आपको, रास्ते के कुछ शॉर्ट्स देंगे आप। झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम, झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम। प्यारी घटा है आहा, बाइक वे खड़ा है आहा। भाई ये जगह का शराब से कोई ताल्लुकात नहीं है, इस जगह का ताल्लुकात है इस जगह की वाइब से। अलग नशा है, नशा बोलना इज ए नेगेटिव वर्ड, अलग वाइब्स है। मैं बोलूँगा बहुत प्यारी जगह है। वंस ट्वाइस थ्राइस लाइफ में आना बनता है, इतना सफ़र करके आना तो वर्थ है यार, बहुत वर्थ है। एक 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 इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है, टाइम दिखा जल्दी से, एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाते हैं हम तुम्हें। मेरी गाड़ी पे हिमालयन पे टाइम दिखा रहा है 11:53 और हमारे मोबाइल्स जो हैं, अब एक क्लॉक दिखाओ ना। क्लॉक कैसे दिखेगी भाई? बड़ी ये वाली है, बड़ी क्लॉक, ये देखो। और क्लॉक पे कितना हो रहा है? 14:22, 2 घंटे का डिफरेंस आ गया, क्योंकि ये शायद यहाँ से चाइना बॉर्डर पास है
और मे बी इसने GPS अपडेट किया चाइना के साथ, तो हमें पता नहीं है, हम टाइम ट्रैवलिंग कर रहे हैं इस समय। टाइम ट्रैवलिंग, इंडिया से चाइना टाइम ट्रैवलिंग चल रहा है। बैक टू द फ्यूचर, बैक टू द फ्यूचर। चलो मिलते हैं आपसे रोड पर। ये थी गुरुदंगमठ लेक, और अब यहाँ से हमने बाइक स्टार्ट कर ली है, 12 बज गए हैं। हाँ तुषार भाई, हाँ जी पाजी, बना रहे हैं ऑफ रोडिंग करते हुए नीचे उतर रहे हैं हम लोग, और अभी टेम्परेचर दिखा रहा है 9 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर, और उससे मेरे को लग रहा है कम ही होगा। चाइना का अपडेट तो देख लिया हमने, लेकिन ये नहीं देख पाए कि कितना है। फिलहाल हमने 360 भी माउंट कर लिया है, और बिना हम समझ लो कि अपने देश की सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ ना करते हुए, हम सिर्फ वहीं शॉर्ट्स लेंगे जहाँ पर हमको लगेगा कि बस हमको अपने शॉर्ट्स लेने हैं, दैट्स ऑल। हम पूरी संप्रभुता का जो है सम्मान करेंगे। हाँ बिल्कुल भी नहीं हम शो करने वाले हैं, वी आर जस्ट गोइंग टू यस एंड बिहेव लाइक अ ट्रैवलर्स। ओके तो चलिए चलते हैं, खूबसूरत वादियों के इस जगह से निकलते हैं। अभी तो स्टार्टिंग है, मतलब अभी तो अपन 2 दिन और 3 दिन हैं सिक्किम में, बाकी तो मज़ा आ गया यार, अल्टीमेट एडवेंचर, अल्टीमेट। याद रखिए कपूर लेके आइए, हमेशा मैं सलाह देता हूँ दूसरों को, खुद ही फॉलो नहीं कर पाता। कपूर विक्स लेके आइए, ज़्यादा उछल कूद नहीं करिए, पानी पीते रहिए, कुछ खा के आइए। हमें अभी तक मतलब अच्छा लग रहा था एक्चुअली, हमने ज़्यादा कुछ किया नहीं, जो भी कर रहे थे स्लोली स्लोली सब कर रहे थे, इसलिए नहीं नीचे अपन जा सकते थे, लेकिन क्या है ना टाइम का भी है, पर नीचे भी और हाँ सही बात तो ये है, झील तो ठीक है, और भी अपने साथ बहुत सारे फैक्टर्स हैं ना, अपन खुद ही चला के आ रहे हैं, फिर तो अपन को वापस भी जाना है, सामान खुद टाई करना है, इनको क्या, ये तो राजा महाराजा टाइप आते हैं चले जाते हैं, ये लोग बॉर्न किंग हैं और हम लोग बॉर्न तो नहीं है, वी आर वॉरियर्स, वी आर सोल्जियर्स, और हम तब जाके राजा बनते हैं। कितने सारे ख्याल आ रहे हैं, कितनी सारी बातें आ रही हैं। आप तो व्यू देखो यार, ये व्यू देख लो, ये और ये व्यू देख लो, और ये भाई लद्दाख फेल, स्पीति फेल, ये मोर ब्यूटीफुल है, 100% मोर ब्यूटीफुल है। सिक्किम इज़ अंडर रेटेड, लेट इट बी अंडर रेटेड। ओ भाई मेरी गाड़ी स्लिप मारी एक जगह पर, और ये भी कैमरे में कैद हो गया है। Y'all see me flying, never drop down, drop down. Smoking high, am I? Am not round, I'm not round. No denying what I got now, I got now. Keep an eye out, keep it locked down, locked down. See me flying, never drop down, drop down. Smoking high, am I? Am not round, I'm not round. No denying what I got now, I got now. Keep an eye out, keep it locked down, locked down. Get too strong when I battle with the beast. Bring a few on the commander and the chief for my crew on. Bullets rattling and whistle at your toque. Never sleep, eyes open, hands clutching on my throat. This a war zone. This a war zone. Yo, this a motherfucking war zone. साइकिल से सफर बड़ा अच्छा है, अच्छा लगता है, बड़ा मज़ा आता है, बस एक ही कंडीशन में मज़ा जो है ना वो ख़राब हो जाता है, वो कंडीशन है जब आपकी गाड़ी पंचर हो जाए। लेकिन मोटरसाइकिल चलाने वाले क्योंकि इस दर्द को समझते हैं, तो एक ग्रुप दूसरे ग्रुप की मदद हमेशा करता है, और ये देखिए हमारे मोटो ब्लॉगर एडवेंचर सिंह हेल्प करते हुए, इन्हें पंचर का बहुत एक्सपीरियंस है। इन्होंने ऐसी ऐसी खटारा गाड़ियों से राइड कर डाली है भूतकाल में, बहुत बढ़िया। आदित्य भाई तुझ सिगरेट हो लगे रहो, लोगों के आशीर्वाद से तुम्हें कभी पंचर ना हो। वही फाइनली आदित्य भाई ने टायर खोल दिया है,
सबके सहयोग से ठीक है, लेकिन अभी हीरो तुम हो। तुमने अभी खोल दिया है टायर और ट्यूब निकाल दिया है पुराना, नया ट्यूब आयत भाई के पास था वो डाल दिया है। अब जिद्दोजहद चल रही है ट्यूब को अंदर घुसाने की, इसे भी घुसाई देंगे। जब निकालना कठिन नहीं था तो घुसाना क्या कठिन होगा। और हमारे पास वो लीवर नहीं थे, जो लीवर होते हैं जो आगे से थोड़े बेंड रहते हैं जिससे अमूमन टायर खोला जाता है। तो हिमालयन गाड़ी के साथ में जो स्पैनर और जो हैंडल आता है उसी को एक दूसरे में जोड़ के इस तरीके से हमने एक लंबा लीवर बनाया और सब ने मिलकर उसको खोला। सो हिमालयन चलाने वाले कभी भी अगर फंसते हैं, आप लोगों की ट्यूबलेस नहीं गाड़ी इसको अंदर, तो आप इससे खोल सकते हैं टायर को। तो भाई साहब 12 बजे निकलने वाले थे, पहुंचने वाले थे, लेकिन दो राइडर्स मिल गए बेचारे, उनकी टायर पंचर हो गया था। और देखो मेरे पास स्पेयर में टायर पड़ा हुआ था सीएड का, तो मैंने ट्यूब उनको दे दिया, पूरा ट्यूब निकलवाया गया अच्छे से। मैं और तुषार भाई दिमाग और मसल्स का यूज़ करते हुए इस तरीके से हमने अपना ट्यूब उनका ट्यूब निकाल के फिक्स किया, हवा भर दिया, जितना अपन को आता था बेसिक नॉलेज, क्योंकि अपने संग हिमालयन और भाई साहब मौसम चेंज हो रहा है। वी हैव टू मूव फास्ट। हेलो, हाँ निकल लो। बस यही है, जो भी है निकल लो यहाँ से। तो हमने उनका ट्यूब चेंज कराया, तुषार भाई ने दिमाग, हमने भी दिमाग, दोनों बंदे एकदम अमेच्योर थे, उनको सिखाया, क्योंकि मैं पहले भी ये टायर पंचर वाला किस्सा झेल चुका हूँ, मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था कि कैसे क्या शिफ्ट करना है। तो बेसिक अपन ने कर दिया है, बाकी फिर वो जाके अपना फिक्स करा लेंगे। बाकी मौसम देख लो यार, मौसम हो चला है चेंज, और मुझे लग रहा है कि बादल नीचे, मौसम चेंज, बारिश चालू, इट्स गोना रेन, और हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। सो चलो मिलते हैं आपसे आगे। बहुत सही, हाँ भाई साहब मैं क्या बताऊँ, मेरी और तुषार की थोड़ी देर के लिए तो ऐसा लगा कि वाट लग गई है। रीज़न, ये जो क्लाउड्स दिख रहे हैं आपको, ये क्लाउड्स पूरे रोड पे थे और हमें दूर से दिख रहा था, मैंने कहा क्लाउड्स आ गए भाई। तो ये देखो क्लाउड्स आप क्या जा रहे हैं, मतलब हवा इनको लेके आ रही है। ये पूरा व्यू आप देख लो एक बार अच्छे से, बहुत शानदार व्यू है भाई साहब, मज़ा ही आ गया है। हम लोग काले पहुँचे अभी, यहाँ पर धूप मिली है तो थोड़ा सुकून की सांस ली है हमने, और अल्टीमेट एडवेंचर चल रहा है मेरे भाई। दोपहर के 2:50, टेम्परेचर चल रहा है 9°C। लहराते हुए झंडे और इस अंतहीन सफर पे अंतहीन बातें। कहते हैं सागर का कोई संत नहीं और बातों का कोई अंत नहीं। बातों के अलावा जबलपुर में कुछ और बोलते हैं, वो मैं ऑन कैमरा नहीं बोल सकता, बाकी तुषार भाई तो जानते ही अपने को। क्या है ना तुषार भाई, क्या है ना, अपन गाली बक सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है, गाली बकना एक स्कूल, बट मुझे लगता है कि यार पेरेंट्स देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, क्या इम्प्रेशन जाएगा। अगर आप गाली बकने से कूल लगते हो तो भाई गाली बको, क्योंकि कूलनेस गाली बकने से नहीं आती, कचरा ना फैलाने से आती है। कूलनेस कचरा उठाने से आती है भाई, कचरा कहीं देखो उठा लो, ऐसा है नहीं, वो एक भावनाएं व्यक्त करना अलग है। Feel the impact, you break it open, leaving nothing fucking intact. Hey yo, you've been hacked, it's safe, hardened, but I found it, homie, been cracked. Hey yo, we been back, your band stacking, see you flexing with the thin stack. Hey bitch, you been whacked, I kill them all, feel the motherfucking impact. Thank you.
This a war zone, homie. Say you ready and prepare. Take a minute, make them aware. Well, I be sneaking in the back, but it's worth the clap. Homie, life ain't fair. Caught me falling through the mud where the vision saw it clearly. Born a shepherd to these sheep. Make them fear me. This a war zone. Okay, तो ये हमारी आज आखिरी रात है लाचेन में, और अभी हम लोग जा रहे हैं रोड पे एक याकूज़ा करके, थोड़ा सा क्या था भाई, रेस्टोरेंट टाइप का था, पब था मतलब एक्चुअली. तो वी हैड जस्ट थुप्पा, हमने ऑथेंटिक थुप्पा खाया, कॉफ़ी पी और पानी पिया, और अब वहाँ से निकल गए अपने रूम की तरफ, और अपने वो जो बंगाली राइडर्स थे उनसे भी मिले. भाइयों के साथ बैठ के हमने बहुत बकर काटी, बहुत सारा ज्ञान व्यान बांटा, ज्ञान चूस लिया, हमने उनका ज्ञान ले लिया है और अपना ज्ञान भी दे दिया है. अभी जा रहे हैं रूम की तरफ, अब जाएंगे रूम में आके सो जाएंगे, पैक पैक करेंगे. कल सुबह 7 बजे डिपार्चर का टाइम है, क्योंकि कल जाना है गैंगटॉक. कल गैंगटॉक में अपना रहेगा स्टे, बाकी बातें गैंगटॉक में करेंगे. तो अभी के लिए इतना ही है. गुड नाइट, शब खैर, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत. सिक्किम डायरीज़.